हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते होंगे ठीक। इस वीडियो में बताने वाले हैं कि वोटर आईडी न्यू तरीके से कैसे अप्लाई करें। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम ऐप स्टोर खोलेंगे। ऐप स्टोर में लिखेंगे वोटर आईडी हेल्पलाइन। जैसे कि हमने लिखे इसमें वोटर आईडी हेल्पलाइन, जैसे ये आ जाएगा इसको हम ओके करेंगे। जैसे मेरा इंस्टॉल है, इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे, ओपन करेंगे। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करेंगे। इसके बाद 6 नंबर फॉर्म भरेंगे। इसको भरने के बाद आई एग्री करने का ऑप्शन आएगा। आई एग्री नेक्स्ट, यहाँ पे इंग्लिश चूज कर लीजिए या हिंदी चूज कर लीजिए। मोबाइल नंबर डाल के मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को डालने के बाद आपका एक रजिस्टर आईडी बनेगा। आप नया पुराना किए हैं कि नया करना है? तो हम लोग को नया करना है, अभी तक नहीं किए हैं। तो यहाँ पे हम ओके करेंगे फर्स्ट वाले कॉलम को। इसको ओके करने के बाद आ जाएंगे आगे वाले ऑप्शन पे। जैसे कि नेक्स्ट करने के बाद आगे आपका सब प्रोसेस भर गया। इसमें भी अपना डिटेल देख कर इसमें भर देना है। स्टेट, बिहार, डिस्ट्रिक्ट, ये सब लिख कर ना चूज कर भर देना है। और इसमें पूरा डिटेल भरने के बाद आपका इसमें फ़ोटो भी लगेगा, एड्रेस प्रूफ भी लगेगा। इसी तरह का देख देख कर आपको भरना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे चूज सारा डॉक्यूमेंट्स को चूज कर रहे हैं और भर रहे हैं। ऐसे ही देख देख कर बढ़िया से चूज कर उसका अपना भरिएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, अटैचमेंट इसको डालकर ना सबमिट करना है। इसमें जैसे जैसे यहाँ पे सबमिट हो रहा है, अपना खुद से देख कर सबमिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देंगे, वहाँ से भी जाकर अपना डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, ये सब आपका आगे बढ़ने लगा। देखिए ये भी आपको सबमिट करना है, अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स आपका। तो यहाँ पे चूज फाइल करके उसके बाद आप अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। अपलोड करने के बाद यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट मारिए, ठीक है। इसको नेक्स्ट मारने के बाद फिर यहाँ पे अपलोड फ़ोटो, तो अपना अपलोड फ़ोटो कीजिए। यहाँ पे चूज कर रहे हैं, यहाँ पे फ़ोटो अपना लगा रहे हैं। आप खींच भी सकते हैं या गैलरी से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम खींच कर यहाँ पे लगा देते हैं। हम लगा दिए, यहाँ पे मेल सेलेक्ट के लिए, मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। मेल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे नाम भर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे नाम भरने के बाद इसे हम फुल तरीके से पूरा बताए हैं कहाँ कहाँ क्या करना है। फुल तरीका है, जूम करके अपना देख सकते हैं। जूम का अपना बहुत बारीकी से इसमें बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। देखिए अब एड्रेस भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट इशू करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। इसमें भरने के बाद आपका पूरी तरह से 30 दिन के अंदर ही आपका वोटर आईडी आ जाएगा आपके घर पे बाय पोस्ट। आप इसको जैसे ही आप इसको भर लेते हैं, ऐसे ही आपको पूरी तरह सबमिट का ऑप्शन मैसेज आ जाएगा। हाँ, पूरा आपका अच्छी तरह से सबमिट हो चुका है, आप इस लाइक एलिजिबल हो गए। चलिए यहाँ पे हम भरते हैं नाम, लास्ट नाम, फैमिली डिटेल का एक भरना पड़ेगा, फैमिली कैंडिडेट, क्योंकि जल्दी उसमें वेरिफिकेशन होता है फैमिली वाले में। उसको भरने के बाद जल्दी वेरिफिकेशन होने के बाद आपका आईडी क्रिएट हो जाता है। फैमिली डिटेल हम भर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही आप अपना चूज कर आप भर सकते हैं। जैसे ही आप भर देंगे आपका बहुत ही जल्दी वेरिफिकेशन हो जाएगा BLO के पास से, और आपका बाई पोस्ट से ये आ भी जाएगा।
ये होता है BLO के पास से वेरिफिकेशन। चलिए यहाँ पे सबमिट किए, देखिए ये मेरा फुल एप्लीकेशन अप्लाई हो गया है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर ये इसमें कुछ गलती है तो सुधार सकते हैं, नहीं तो कंफर्म करके हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें कोई गलती नहीं है, ये कंफर्म करके हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना ही, मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। चलिए।